प्रदेश सरकार द्वारा सब्जी मंडियों के आढ़तियों की कमीशन कम करने के ऐलान के बाद आढ़तियों में खलबली मची हुई है और उनमें दिन प्रतिदिन प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। आढ़तियों का मानना है कि अगर उनकी कमीशन कम हुई तो उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे और मजबूरन उन्हें व्यापार बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का आढ़तियों के कमीशन कम करने का निर्णय बिल्कुल गलत है, जिसे जल्द बदला जाना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा सब्जी मंडियों के आढ़तियों के कमीशन कम करने के ऐलान के बाद आढ़तियों में खलबली मची हुई है और उनमें दिन प्रतिदिन प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। आढ़तियों का मानना है कि अगर उनकी कमीशन कम हुई तो उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे और मजबूरन उन्हें व्यापार बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का आढ़तियों के कमीशन करने का निर्णय बिल्कुल गलत है, जिसे जल्द बदला जाना चाहिए। सोलन सब्जी मंडी के आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि वे आढ़तियों के कमीशन को कम करने के फैसले पर पुनर्विचार करें, अन्यथा प्रदेश के सभी आढ़तियों को धरना प्रदर्शन का मार्ग अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कमीशन कम करने के निर्णय को प्रदेश सरकार का तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने कहा कि उनका पहले ही 5% कमीशन से घर चलाना मुश्किल हो रहा था, उसे वे बढ़ाने के लिए कई बार प्रदेश सरकार को आग्रह कर चुके थे, लेकिन अब तो 5% से भी कम कर उसे 2% किया जा रहा है, जो सरासर गलत है और आढ़तियों के साथ अन्याय है, जो वे अपने साथ कतई नहीं होने देंगे। अब ये कमीशन घटाकर 2% कर रही की जा रही है, इससे व्यापार करना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो महंगी कमोडिटी है, प्याज महंगे हैं, आलू महंगा है, लहसुन महंगा है, और 2% से तो जैसे बैंक इंटरेस्ट भी पूरा नहीं होगा। लोगों ने अपना व्यापार करने के लिए लिमिट्स बनाई हैं, फिर बिजली का बिल है, दुकान का किराया है, स्टाफ की सैलरीज है, 2% में तो कहीं ये इससे ज़्यादा तो कहीं खर्चे हो जाते हैं इसमें। तो मेरी तो आपके माध्यम से सरकार से ये मैं दरख्वास्त करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। मैं मालूम हुआ कि आढ़तियों की कमीशन जो है, जो पहले की 5% हुआ करती है, अब जो सरकार ने जो है ये फैसला किया कि उसको जो है 5% से घटा के 2% कर लिया गया। मैं समझता हूँ कि जो ये कमीशन कम की गई है, ये इसमें जो है सरकार से हम ये आढ़ती लोग सब भाई जितने भी हैं, ये चाहते हैं कि इसमें जो है सरकार दोबारा से इसमें गौर करे, और इसी विषय में लेकर जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है दोबारा इस विषय को लेकर जो है समय लिया है, और हम जितने भी आढ़ती भाई है वो एक या दो दिन में जो है उनसे मिलने वाले हैं। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़ रही है एसटीडी के साथ। नमस्कार।